गुजरात में कई तीर्थ स्थान और मंदिर हैं जो हिंदू धर्मावलंबियों और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर सैकड़ों प्राचीन पवित्र और ऐतिहासिक मंदिर भी मिल जाएंगे, परंतु हम यहाँ आपको गुजरात के उन 10 धार्मिक स्थलों के बारे में बता रहे हैं जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं प्रमुख धर्म स्थलों के बारे में। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उसमें भगवान शिव को ही अपना नाम स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ हो गया। भाल का तीर्थ सोमनाथ के प्रभास क्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने एक वृक्ष के नीचे अपनी देह का त्याग कर दिया था। उस जगह को भाल का तीर्थ कहा जाता है। द्वारिका धाम भारत के गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। यहाँ पर श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है और समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी भी है। द्वारिका दो है, गोमती द्वारिका बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पूरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एकांत में रुक्मिणी का मंदिर है। कहते हैं दुर्वासा के शाप के कारण उन्हें एकांत में रहना पड़ा था। पावागढ़ यह बड़ौदा के पास हलोल में स्थित है। पावागढ़ एक छोटा हिल स्टेशन है जहाँ पर माता कालका का प्राचीन मंदिर है। पावागढ़ को विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी मिल चुका है। चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क, पावागढ़ हिल, कालिका माता मंदिर, पावागढ़ मंदिर, माची हवेली और सदन शाह पीर दरगाह यहाँ के प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान 10वां है। ज्योतिर्लिंगों पर एक चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के परिसर में 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक और अति विशाल प्रतिमा है। नीलकंठ धाम बड़ौदा के बाद पोईचा में नीलकंठ धाम देखने लायक जगह है। यहाँ पर स्वामी नारायण संप्रदाय का विशालकाय मंदिर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलकंठ धाम में वह सब कुछ है जो हमें आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर प्रदर्शन स्थली के साथ ही नर्मदा नदी के दूसरे छोर पर स्थित कुबेर मंदिर पर जाना नहीं भूलते हैं। चंद्रभागा शक्तिपीठ गुजरात के प्रभास क्षेत्र में कपिला हिरण्या एवं सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम के निकट माता शमशान भूमि के निकट सोमनाथ मंदिर के समीप सती के 52 शक्तिपीठों में एक चंद्रभागा शक्तिपीठ स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के निकट बेरावल स्टेशन से 4 किलोमीटर प्रभास क्षेत्र में माता का उदर आमाशय गिरा था। इसकी शक्ति चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। अंबाजी मंदिर गुजरात के बासन कांठा जिले में स्थित विख्यात तीर्थस्थल अंबाजी मंदिर माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है तथा यहाँ पूरे साल भक्तों का रेला लगा रहता है। यहाँ माँ का एक श्रीयंत्र स्थापित है। शक्ति स्वरूपा अंबाजी देश के अत्यंत प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माँ अंबाजी मंदिर गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर नामक पहाड़ है। इस पहाड़ पर भी देवी माँ का प्राचीन मंदिर स्थापित है। डाकोर जी का मंदिर गुजरात के डाकोर शहर में स्थित कृष्ण मंदिर को रणछोड़दास का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ का यह मंदिर सभी भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। इस स्थान की गिनती हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थानों में की जाती है। भक्तों के लिए रणछोड़ मंदिर का महत्व वैसा ही है जैसा द्वारिका स्थित द्वारकाधीश मंदिर का। दोनों ही मंदिरों में कृष्ण भगवान की मूर्तियां भी श्याम रंग के पत्थर से ही बनाई गई हैं। प्रत्येक वर्ष विशेषकर पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु डाकोर में दर्शन करने के लिए आते हैं। डाकोर में मुख्य उत्सव कार्तिक चैत्र फाल्गुन और अश्विन पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किए जाते हैं। पालीताना गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय नदी के तट पर स्थित जैन धर्म का तीर्थ स्थान है। यह भावनगर शहर से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ 900 से भी अधिक जैन मंदिर हैं। पालीताना शत्रुंजय तीर्थ का जैन धर्म में बहुत महत्व है।